पांच राज्यों के चुनाव भी कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुए हैं। चुनावों में जब नेता रैली कर रहे थे, उनके समर्थक रैलियों में झूम रहे थे, उस समय कोरोना वायरस भी संक्रमण वाली रैली कर रहा था। करीब 1.5 महीने से जारी चुनावी उत्सव डरावना साबित हो रहा है। आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर आधारित ये ग्राफ देखिए। 1 मार्च को एक्टिव केस 3,293 थे, रोज 198 केस सामने आ रहे थे। इसके बाद चुनावी संग्राम शुरू हो गया। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान था, तब 4,608 एक्टिव केस थे और 812 केस रोज आ रहे थे। 1 अप्रैल को दूसरा फेज था, तब 6,513 एक्टिव केस थे, रोज 1,274 केस आने लगे। तीसरे फेज तक इस संख्या में करीब दोगुना और चौथे फेज तक 4 गुना इजाफा हुआ। 14 अप्रैल की स्थिति भी देख लीजिए, 32,621 एक्टिव केस, हर रोज 5,892 नए केस। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कोरोना संक्रमण भी बढ़ता गया। इसके और कारण भी होंगे, लेकिन बेफिक्री से चल रहा चुनावी कार्यक्रम भी इसकी एक वजह तो है ही। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बाकी के चुनावी राज्यों का भी यही हाल। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 दिनों में पश्चिम बंगाल में 4 गुना ज्यादा केस आए, तो असम में 5 गुना ज्यादा केस आए, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में करीब 1.5 से 2 गुना ज्यादा केस आए। अगर भारी भीड़ जुटाकर सभाएं नहीं की जाती तो लोगों की जान पर खतरा ना आता। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार है, लेकिन बंगाल में न रैलियां रुकी, न रोड शो, न प्रचार। देश में इतना बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा लगता है बंगाल जैसे किसी दूसरे देश में। किसी को कोई परवाह ही नहीं, ना उन लोगों को जो पार्टियों के कर्ता धरता है, ना उन लोगों को जो रैलियों और सभाओं में भीड़ ला रहे हैं, और ना उन लोगों को जो चुनाव के कर्ता धरता है। बंगाल में बाकी चरण के चुनाव एक बार में ही कराने की मांग हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं। बस शुक्रवार को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों से एक मीटिंग करेंगे और ये कहेंगे कि प्रचार में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। लेकिन ये बात किसने मानी है और आगे कौन मानेगा, ये सबको पता है। सोच यही है कि प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले बंगाल में कोरोना की रफ्तार कितनी भी बढ़ती जाए। बंगाल में एक दिन में करीब 6,000 तक केस मिल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से चौथे चरण के चुनाव तक 20 दिन के अंदर रोज के 7 गुना केस बढ़े हैं। रैलियों से केस बढ़ने का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल तो ये है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से सब बेपरवाह क्यों हैं, जबकि रोज केस बढ़ रहे हैं, उम्मीदवारों की जान तक जा रही है। इसी में पहला नाम रिजाउल हक का है, जिनकी आज कोरोना से मौत हुई है। वो मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 3 दिन पहले तक रिजाउल हक इसी तरह प्रचार के लिए निकलते थे, घर घर जाकर लोगों से बेफिक्र होकर मिलते थे। मास्क लगाना भी वो जरूरी नहीं समझते थे। इसी लापरवाही का नतीजा है कि रिजाउल हक की अचानक तबीयत बिगड़ी, वो कोरोना संक्रमित मिले। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना ने उनकी सांसें छीन ली। अगर ये सब देखने और सुनने के बाद भी कोई मानता नहीं, नियमों पर ध्यान नहीं देता, भीड़ जुटाता है और रैलियों की तस्वीरें देखकर गदगद होता है, तो ये अपराध से कम नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि सब ये जानते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करने से संक्रमण फैलने का पूरा खतरा है, और ये बंगाल में आगे वही हालात बना देगा जो देश के कई राज्यों और शहरों में फिलहाल बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में गोपाल ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो।